हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ। देखिए गाइस, कपड़े धोए थे तो पड़े हुए थे ऐसे ही बेड पे, तो उनको सबसे पहले मैं कर रही हूँ फोल्ड। ये देखिए गाइस, प्रेस करने का तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पा रहा। अभी मैं ऐसे ही तय मार मार के रख रही हूँ, और जिस दिन मैं प्रेस करूँगी उस दिन मैं अलमारी में से निकाल के सारे प्रेस कर दूँगी कपड़े। देखिए गाइस, ये मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। गाइस, सफाई वगैरह सब कर दी थी मैंने, और बर्तन वर्तन भी हो गए हैं, और नाश्ता अभी नहीं हुआ, और मेरी वो भी हो गई है, सफाइयाँ सारी हो गई हैं, और पूजा भी कर ली है मैंने। अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। देखिए, ये उबाल रहे हैं आलू, इसके पापा धर रहे हैं। आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। ये आलू वो डाल दिए, उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिए उबालते हुए। ये हम बनाएंगे आलू के परांठे। ये बॉयल हो चुके हैं आलू, इतने बड़े बड़े आलू इन्होंने उबाल दिए हैं। आलू गलने मुश्किल हो जाते हैं, इन्होंने उतनी ही ज़्यादा सीटियाँ लगवाई हैं। मिक्सचर बना दी है आलू के परोठों के लिए। मिर्ची कट कर रहे हैं। आज आलू के परोठे बनाएंगे। ऐसे मिर्ची घेर दी है, अब हम घेरेंगे मसाले। सबसे पहले हम घेर रहे हैं नमक। इसके बाद हम घेरेंगे लाल मिर्च। इसके बाद हम हल्दी घेरेंगे और धनिया पाउडर। नहीं, हल्दी नहीं घेरेंगे, सिर्फ धनिया पाउडर। अब इसको मैश करके इसका मिक्सचर बना देंगे परोठों के लिए। गाइस, अब ये इसको मिक्स कर रहे हैं, सारे मटेरियल को जो नमक मिर्च डाला आलू में, ये सारा मिक्स कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे परौंठी, और परौंठी मैं नहीं बनाऊंगी, इसके पापा ही बनाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, और सिर में भी दर्द हो रहा था। आटा गूंद रही हूँ, एकदम से पता लगा आलू के परांठे बनाने लगे हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही मेरी हेल्प कराएंगे। आज मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे लग रहा है बुखार, मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं सोई रहूँ। नींद सी आ रही है, मैंने गोली भी खाई है पैरासीटामोल की। काम करने का किसी का भी मन नहीं कर रहा मेरा, कोई सा भी काम करने को। बस मैंने जोर जलाई है, आलू उबाले हैं, बाकी इसके पापा ने किया, क्योंकि मेरी बेटी का भी वर्क फ्रॉम होम है।
वो भी क्या करेगी, उसकी भी एक शिफ्ट होती है। दूसरे पर बहू और बेटा आते हैं रात को 8:30-9 बजे तक आते हैं, तो पहले ही खाना तैयार करके रख देती हूँ मैं चाहती हूँ उसे भी कुछ ना करना पड़े। देखिए गाइस, आटा गूंद रही हूँ, आटा इतना जान के गूंदी है कि सुबह उनके ऑफिस के लिए भी हो जाए। मेरा तो कल फास्ट होगा, आज 6ठा नराता है, कल 7वां नराता है और परसों अष्टमी है। हम करते हैं अष्टमी पूजन। मैं इनका आटा गूंद देती हूँ, बच्चे तो ये रोटी लेके जाएंगे ना, सांप को शाम के वक्त में सारे व्रत की खाते हैं, चाहे व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, मेरा तो होगा व्रत क्योंकि मैंने फर्स्ट रखा था, अब दूसरा रखूंगी। मन ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊं, बस सोने का मन कर रहा है। बॉडी में अजीब तरह की हरारत सी हो रही है कुछ। मैंने देखा फ्रिज में आटा ही नहीं था, मैंने कहा आटा गूंद देती हूँ। रात को फिर एक पैरासिटामोल की गोली खा के सोऊंगी कि सुबह तक मेरे को आराम लगे थोड़ा। वैसे मैं अपनी बीमारी को ज़्यादा वो नहीं करती, इग्नोर करती रहती हूँ, कभी ज़्यादा होता है ना तब मैं पढ़ती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं लगी रहती हूँ। गाइस जी ये देखिए गूंद गया मेरा आटा और ये मिक्सचर बन गया है आलू के पराठे का। ये आटा अब बनाएंगे मेरे हस्बैंड, चाहे जैसे भी बना दे टेढ़ी मेढ़ी सब खा लेंगे। फिलिंग भर दी है और परौंठा देखिए अपने हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया और खा लिया था बच्चों ने परौंठा, मैंने भी एक खा लिया था कि खा लेती हूँ मैं भी, फिर रात को दवाई खा लूँगी और लेट जाऊँगी। आलू का पराठा, ये मिर्ची का चार है, थोड़ा सा ही लिया मैंने और ये मलाई है। गाइस ये आलू की परौंठी है, ये मिर्ची का चार है और ये मलाई है, ये मैं खा रही हूँ। गरम है वो, अभी सो जाऊंगी मैं तो दवाई खा के, काम हो या ना हो मैं क्या करूं। वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस अब मैं फ्री हो गई, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाय दोस्तों।